कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम है। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भगवत हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? अरे मोहन भगवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है, वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत से खतरा। आरएसएस के सर संचालक का बयान आया कि भारत के हिंदुओं को मुत्तहिद होना पड़ेगा, तभी उनकी हिफाजत होगी। और मोहन भगवत अपने हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर तुम को मुत्तहिद होगा होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भगवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भगवत 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम हैं। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भगवत हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? बताओ मोहन भगवत, ट्रिपल तलाक का कानून तुमने, तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकाला, CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया, UAPA का कानून और गंदा कर दिया, तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भगवत 10 साल के बाद कह रहे हैं कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। अरे मोहन भगवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। 10 साल के बाद भी मोहन भगवत को लग रहा है कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भगवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है, वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत से खतरा। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भगवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके मोदी अमेरिका का सफर करते हैं, 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमचाक डेमसाक में। मोहन भगवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है मगर मोहन भगवत नो, हिंदुओं को खतरा है। अबे चीन कब्जा करके बैठा है उसकी बात नहीं करेंगे, चीन पूरे भारत के अतराफ के ममालिक में बैठा हुआ है, मोहन भगवत नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, OBC को तकलीफ दी। बताओ 10 साल में मोदी ने इन तमाम नौजवानों को कोई रोजगार दिया, नौकरी दी? लाखों नौजवान बेरोजगार उनका मुकद्दर बन चुका है, मगर मोदी आके क्या बोलते हैं? झारखंड में जाकर बोलते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन बदल रहा है। अरे मोदी, नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो, मगर कुछ नहीं। मोहन भगवत कह रहे
हिंदुओं को खतरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मजाक मोहन भगवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं।